हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है। आपका जीवीसी क्लास में स्वागत है। समय कार्य का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिनों में और 25 दिन में पूरा करते हैं कर सकते हैं। 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। बी से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, बी से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, 20 गुणित 25। ठीक, 5 दिन तक कर रहा है, माइनस कर दो वहां पर 20 प्लस 25। ठीक है, जो छोड़ के जा रहा है उसको नीचे लिख दो। कौन जा रहा है छोड़ के? ए जा रहा। बस काटो पिटो आंसर आ जाएगा। जोड़े कितना हो गया यहाँ पर? 45। ठीक है, 45 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 दूनी 50, मतलब 500। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। पच्चीस का पांच अगला है दो पांच चौबीस और दो बाईस। ठीक है, पचम पच्चीस, पच्चीस का पांच अगला है दो, पांच चौबीस और दो बाईस। ठीक है, अब इसके साथ माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? ये -225 जो हो जाएगा 0, 75 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्या? 60। एक उदाहरण लिए इधर, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ जो क्या हो जाएगा 10, 9, क्या बचेगा? 7। ठीक है, क्या बचा अपना? 7 बटे 20। ठीक है, अब भाग नहीं जा रहा, 5 से काट दो, 5 चौ 20 पचम 25 बचा दो, 5 25 क्या है अपना अभी? 55 बटे 4। इसको और तोड़ दो, 5 एक कम 5, क्या बचा? 1 5 3 15 बचा क्या? 5 एक कम 5 सॉरी 55 बटे क्या है 4। ठीक है, 4 एक कम 4 बचा क्या? 1 4 3 12 बचा क्या? 3 बटे 4, क्या आंसर आ जाएगा अपना अभी? 13 सही 3 बटे 4 दी। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? 13 सही 3 बटे 4 दी लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, क्या बोला उसने? 2:3 है। ठीक, अधिक बोला, दोनों का डिफरेंस कितने का? 1 का। ठीक, दोनों का डिफरेंस कितने का? 1 का। और क्या बोला उसने? 6 दिन अधिक लेता, कितना दिन? 6 दिन चाहिए क्या? ये अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, इसको पलटा दिए तो क्या हो जाएगा ये? ठीक, क्या हो जाएगा? 6 3 18, ये पूछा है ना, कितना दिन आ जाएगा? 18 दिन। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, ए
ए और बी सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उसके साथ उनके साथ एक साथ काम करने की कुल मजदूरी 16,202 रुपये हो तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, क्या बोला उसने? 1/10, 1/15 और 1/20। पहले इनका अनुपात निकाल के लिखा, क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 60। तीनों का एलसीएम 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60, 10 × 3 = 60। क्या हो जाएगा एलसीएम इसका? 60। 60 से इसमें अपन क्या कर दो, भाग दे दो। क्या हो जाएगा ये? 6 बार गया, मतलब 6 रुपया तो जाएगा। फिर 60 से काटे इसमें क्या हो जाएगा? 15 × 4 = 60 हो जाएगा। फिर 20 × 3 = 60 हो जाएगा। मतलब क्या आया अपना अनुपात? अभी 6, 4, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद में संख्या दिया इसकी, किसकी दी? पूरी की संख्या दी, 6, 4, 10 और 3 = 13। कितनी दी? 16,302। किसका मान? 13 का मान दिया। ठीक है, 13 × 1 = 13, बचा क्या? 23। 13 × 2 = 26, 13 × 2 = 26। ठीक है, बचा क्या? 7। ठीक, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, बचा क्या? 5। 13 × 4 = 52। ठीक, तीनों का बोला उस, जिसका बोला उसके साथ गुणा कर दो। 6, पहला वाला 6, 6 × 6 = 24, 24 × 4 = 2, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 × 2 = 32, 32 × 2 = 3, 6 × 2 = 12 और 3 × 15 = 5 = 1, 6 × 1 = 6 और 1 = 7। क्या हो जाएगा? ये ए का मान हो गया। इसी प्रकार आप क्या कर लेना? 4 के साथ गुणा कर देना। फिर इसी प्रकार किसके साथ कर देना? 3 के साथ गुणा कर देना। इसका भाग आ गया, ये भी आएगा, उसको हल कर देना। ठीक है, अलग अलग मजदूरी आ जाएगी ए बी सी तीनों की। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 पुरुष किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, जबकि उसी काम को 30 औरतें 35 दिन में करती हैं। ठीक है, 20 पुरुष कितने दिन में कर रहा है? 25 में कर रहा है, तो 30 औरतें, कितनी औरतें? 30 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 35 दिन में कर रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसका इंटरेस्ट के साथ कर दो और नहीं भी करना, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा क्या? 20 × 5 = 100 का 0, 8 लाख 10, 20 × 2 = 40 और 10 = 50। ठीक है, और दिन कर दो, 30 × 5 = 150, 150 का 0, 8 लाख 15, 30 × 5 = 30, 90 और 15 = 105। ठीक है, 1 0 से 1 0 खाता। ठीक, क्या हो जाएगा? ये 5 से काट दो, 10 से 5 से कट जाएगा, जो 10 बार चला जाएगा, जो हो जाएगा 5 × 10 = 5, 5 × 1 = 5, मतलब कि 10 पुरुष = 21 औरत। कितनी? 10 पुरुष = 21 औरतें, 10 पुरुष = 21 औरतें आ रहा है। ठीक है, क्या करना अपन की? पुरुष ही पुरुष बना लो, चाहे औरतें औरतें बना लो, किसी से कर सकते हैं। तो पुरुष 10 पुरुष = 9 औरतें। ठीक है, तो 10 पुरुष = 21 औरतें हैं, तो यहाँ पर क्या है? 10 पुरुष है, कितना है? 10 पुरुष है। ठीक, पुरुष में कन्वर्ट करना है इसको, 10 पुरुष बराबर 21 औरतें, औरतें में कन्वर्ट कर रहे, क्या हो जाएगा?
10 पुरुष की जगह उनका रख दो, 21 औरतें रख दो। कितनी औरतें पहले से? 9, 9 पहले से, तो कितना हो जाएगा ये? 30, 30 औरतें बराबर डे का याद करना है, बराबर क्या बोला उसने, औरतें करना अपन, ठीक है? तो 30, 30 गुणित 35, ठीक है ना? 30 औरतें बराबर औरतें चौरतें हो गया, 30 से 30 कैसे? तीस से तीस कैसे? हाँ इससे करो, चाहे इससे करो, ठीक है? 30 से 30 कैंसिल, कितना जाएगा आंसर? अभी 35 आ जाएगा, ठीक है? कितना जाएगा? 35 दिन में जाएगा। 10 पुरुष और 9 औरतें उस काम को कितने दिन में करेगी? 35 दिन में करेगी। थैंक यू।